माघ मासे महामंगले मासे प्रजोत में नाम ने माशी। नमस्कार प्रभु भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नितिन शास्त्री पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार करता हूं। प्रभु भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा माघ महीने की पूर्णिमा तिथि कब है और उसे किस प्रकार मनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का है। प्रभु भक्तों, मघा नक्षत्र से माघ नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हिंदू शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। प्रभु भक्तों, हिंदू शास्त्रों में मघा पूर्णिमा का अर्थात माघ पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है। पूर्णिमा तिथियों में माघ पूर्णिमा सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक फलदायी मानी गई है। क्यों, यह मैं आज आप सबको बताऊंगा। प्रभु भक्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में पूर्णिमा तिथि जब आती है, उस तिथि का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है और उस पूर्णिमा में भी अगर रोहिणी नक्षत्र हो उसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। प्रभु भक्तों, साल 2020 की माघ महीने की पूर्णिमा 9 फरवरी 2020 दिनांक बुधवार को है। ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं, 2020 की माघ महीने की पूर्णिमा 9 फरवरी दिनांक बुधवार को है। प्रभु भक्तों, मघा पूर्णिमा का त्योहार और उसका व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। प्रभु भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण की पूजा वैदिक विधि के द्वारा अपने कुल पुरोहित से करवाना सबसे बेहतर होता है। उस पूजा में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और उनको केले, गेहूं का चूर्ण, साठी का चूर्ण, नैवेद्य आदि का भोग लगाया जाता है और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा से करने वाले मनुष्य का वह व्रत पूर्ण हो जाता है और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। अब मैं आपको माघ महीने की पूर्णिमा का पौराणिक महत्व तो बताता हूँ। निर्णय सिंधु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ महीने में देवता इंसान के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज, वाराणसी, गंगा आदि नदियों के तीर्थों में स्नान करते हैं और अपनी तृप्ति करते हैं। इसलिए जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियों पर जाकर के स्नान करता है, उस मनुष्य को परम दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान का इतना अधिक महत्व क्यों है और माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए जो कि अधिक महत्व वाली बताई गई हैं। ध्यान दीजिएगा प्रभु भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अगर जो मनुष्य वस्त्र का दान करता है, उसे इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में कभी भी किसी प्रकार से वस्त्र की कोई कमी नहीं होती। माघ पूर्णिमा के दिन तिल इत्यादि का दान करने वाला, चाहे सफेद तिल हो या काले तिल हो, इनका दान करने वाला मनुष्य परम दुर्लभ धन धान्य की प्राप्ति करता है और उसके साथ गुड़ का दान करने वाला, माघ पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य गुड़ का दान करता है, उसे पशुओं आदि में बरकत प्राप्त होती है और उसके पशुओं में अगर किसी प्रकार का कोई रोग को कोई कष्ट है वह दूर हो जाता है। और वहीं पर अगर बात करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य चावल का दान करता है, उसके पितर देवता प्रसन्न होते हैं और उसको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य अपने घर में साफ सफाई रखता है और आए हुए अतिथियों का सत्कार करता है, उस मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार के दरिद्र का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मनुष्य को माघ पूर्णिमा का स्नान किसी ना किसी तीर्थ या नदी आदि पर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए और इस दिन अतिथियों का सत्कार अवश्य
करना चाहिए। प्रभु भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह उठ करके किस प्रकार, अगर आप अपने घर पर ही उसका कार्य करें तो किस प्रकार करें, सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें, उठ करके अगर आपके घर के पास कोई सरोवर या तालाब या कोई बावड़ी है वहां पर जाकर के स्नान करें, उसके पश्चात सूर्य को अर्घ दे और संध्या वंदन आदि का कार्य पूर्ण कर लें। उसके बाद अपने घर में सत्यनारायण की व्रत कथा का पठन करें और भगवान को भोग लगा करके उसके बाद पूरा दिन व्रत रखता हुआ फलाहार केवल लेना है और भगवान का स्मरण करता हुआ पूरा दिन व्यतीत करें। इस प्रकार माघ पूर्णिमा के व्रत को जो मनुष्य बताई हुई विधि के अनुसार करता है उसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, उसके अन्न धन से उनके घर के भंडार भरते हैं और इस जन्मनी पूर्व जन्मनी समस्त पाप उसके, अगर इस जन्म में किया हुआ कोई उसका पाप है या पिछले जन्म में उसका किया हुआ कोई पाप है, उन सभी पापों का नाश होता है। प्रभु भक्तों, माघ पूर्णिमा की एक और विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रिय भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य अपने घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, दादा दादी जी, कोई भी अगर बड़ा बुजुर्ग है, उन बुजुर्गों के सुबह उठ करके भोजन परोस करके उनसे आशीर्वाद ले, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे मनुष्यों को इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव स्थिर रूप में निवास करता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपना कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की, माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करें।